कमेंट बॉक्स में लव यू धोनी लिखना ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें धोनी ने फिर से एक बार चकमा दे दिया बल्लेबाज को और कर दिया रन आउट। जी हां, आपको बता दें कि गेंदबाजी कर रहे थे केदार जाधव और ऐसे में उन्होंने जेम्स नीशम को गेंद डाली। गेंद बैट पे लगी, जिसको देखकर केदार जाधव और धोनी अपील करने लगे। इस बीच अंपायर नॉट आउट दे ही रहे थे कि जेम्स नीशम थोड़ा सा कंफ्यूज थे और वो हल्का सा क्रिच के आगे थे। बस क्या था, क्रिच का आगे होना और धोनी को मिला एक सेकंड, और उस एक सेकंड में धोनी ने तुरंत बॉल पकड़ के गिल्लियां बिखेर दी और जेम्स नीशम जब तक पीछे देखते तब तक वो रन आउट हो चुके थे। तो कहा जा सकता है कि अपील के चकमे में फंस गए जेम्स नीशम। और आपको बता दें जेम्स नीशम 32 गेंदों पर 44 रन बना के खेल रहे थे, ऐसे में उनका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत को अगर ये विकेट ना मिलता तो शायद हार का बड़ा कारण बनता। तो कहा जा सकता है कि धोनी अगर मैदान पे हैं तो टीम इंडिया का हारना मुश्किल होता है, या कहें नामुमकिन होता है, और धोनी अपने इस करामाती विकेट कीपिंग और रनआउट से कहीं ना कहीं दिखा देते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं।